भारती के सम्मान से सम्मानित बड़े गीतकार डॉक्टर विष्णु सक्सेना, एक बार पूरा सदन जरा हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट करे कि मेरे बड़े भाई डॉक्टर विष्णु सक्सेना माइक पर आए। दोस्तों, मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं, आप सभी को नमन, मंच को चरण स्पर्श। बहुत देर से अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा था। जेसीआई के तमाम पदाधिकारियों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। भाई हेमंत पांडे के कविता पाठ से ये शुरू हुआ है कवि सम्मेलन। हेमंत और गौरव, ये दोनों के दोनों हमारे युवक पूरी रात जगने के बाद, पूरे दिन यात्रा के लिए इतने थकने के बाद भी उन्होंने कितनी शानदार पारी खेली। एक बार इन दोनों के लिए तालियां बजाई है। और भुवन मोहिनी के लिए इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि वो आपकी बहुत चिर परिचित है, आप उन्हें सुनने रायपुर तक जाते हैं। ये मुझे बताया भुवन मोहिनी जी ने कि बहुत सारे इतने कविता के प्रेमी हैं कि रायपुर तक सुनने के लिए जाते, इसलिए उनको तो सुनना ही था। सबसे ज्यादा दुखी थे हमारे चौबे जी कि पता नहीं ये लोग तालियां नहीं बजा रहे, कैसे सुनाऊंगा मैं। लेकिन मैंने चौबे जी से कहा कि मैंने कि देखो ज्यादा दुखी मत हो, रोज का काम है अपना, कहीं अच्छे मिल जाते हैं श्रोता, कहीं खराब मिलते हैं। लेकिन आपने उनको बता दिया कि आप खराब नहीं है, अच्छे हैं। और आपने उनको भी बहुत प्यार से सुना। और अब महफिल हमारे शशिकांत के हाथ में आई, तब थोड़ी सी इस महफिल में गर्मी आई, ऐसा लगा कि हाँ आपका सम्मेलन हो रहा है। उन्होंने चारों तरफ से आपको हंसाया भी, गुदगुदाया भी और कविता भी सुनाई। टिटलागढ़ में बहुत आया हूं, हमने कवियों की दूसरी पीढ़ी के साथ कविता तो पढ़ी है। कुछ ऐसे कवि थे जिन्होंने मेरे साथ कविता पढ़ी, उनके फिर बच्चे भी आ गए, अब उनके साथ कविता पढ़ रहा हूं मैं। लेकिन आयोजकों की दूसरी पीढ़ी के साथ पहली बार कविता पढ़ रहा हूं। ईश्वर जी सामने बैठे हैं। मैं जब खाना खा रहा था दोपहर को, तो बिट्टू भाई बोले कि सर आप तो हमारे पापा जी के और ताऊओं के समय में आए हुए हैं, अब हमारे समय में आए। क्या बात है बड़े, तो बहुत गर्व महसूस हुआ कि देखिए समय कैसे गुजर जाता है। आइए मैं कविता पाठ पढ़ता हूं। मैं मोहब्बत का एक छोटा सा कवि, मैं जानता हूं लगभग 9 बजे से आप कविताएं सुन रहे हैं, तालियां बजाते बजाते थक गए हैं, कविताएं सुनते सुनते भी थक गए हैं, फिर भी कहीं थोड़ी बहुत एनर्जी बाकी रह गई हो तो मुझे भी गलत फहमी में डाल दीजिएगा कि मैं भी आपके बीच में खड़ा हूं। स्वागत स्वागत डॉक्टर साहब। और ये एक और बात कहना चाहूंगा, मैं जानता हूं सर्दी बहुत है, अगर आप हाथों से अपने काम न ले सके तो जबान से काम ले लीजिएगा, आप वाह वाह आवाज से कर सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ हाँ इस तरह से तो हमको लगेगा कि आप हमें सुन रहे हैं दादा। इधर के लोगों से कोई शिकायत नहीं है, बहुत प्यारा सुन रहे हैं। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, ईश्वरवादी बहुत हो, इसलिए सबसे पहली चार पंक्तियां ईश्वर की तरफ निवेदन करता प्रभु के। दिल बीमार सही हो वो दवाएं दे दे, मैं सब पे प्यार लुटाऊं वो दुआएं दे दे, ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, ऐ मेरे रब मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी
आवाज की खुशबू को हवाएं दे। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपसे इतनी दाद की भी उम्मीद नहीं थी जितनी आप। लेकिन मुझे शशि पे विश्वास था कि उसने आपके अंदर जो ऊर्जा दी है वो थोड़ी बहुत ऊर्जा मेरे काम आएगी। क्या बात है डॉक्टर। मैंने आपसे निवेदन किया कि पहली चार पंक्तियां ईश्वर के चरणों में, अगली चार पंक्तियां आपके चरणों में निवेदन करता हूँ, क्योंकि आप हमारे दूसरे ईश्वर, क्योंकि आप अगर हमारी जिंदगी में न हो तो इस माइक पर एक मिनट नहीं खड़े हो सकते। क्या बात है। आप लोग हमें दुआएं देते हैं, तारीफ करते हैं, तालियां बजा देते हैं, तो हमको टूटा फूटा लिख लेते हैं और इस उम्मीद के सहारे सुना देते हैं कि शायद हमने कुछ अच्छा लिखा है। तो अगली चार पंक्तियां आपकी। स्वागत। ऐ मेरे रब, मैं सांस सांस में महक जाऊं, मेरी आवाज की खुशबू को हवाएं दे दे। तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको। वाह, जब दूसरी पंक्ति पे आप इतनी दाद दे सकते तो चौथी पर निहाल कर देंगे, बड़ा यकीन है मुझे अपने ऊपर वाले। क्या बात है डॉक्टर। इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको, आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले मुझको। वाह डॉक्टर साहब जिंदाबाद। आपकी इजाजत हो तो चार पंक्तियां और पढ़ दूं? बिल्कुल। तो जरा कैसे दी जाती है इजाजत, जरा सलीके से बता दीजिएगा। वेरी गुड, ये जादू है बेटे। चाय वाले अब मत आना। हाँ ला ला, नहीं बिल्कुल नहीं चलेंगे। वो पुराने डायलॉग हो गए, जब आप उसके एक चुटकुले को फुस कर सकते हो शुरू में, को आप उठते बैठते रहिए तो आपको तो जन कितने चुटकुले याद है, मैं चाहे तो चुटकुले बोलूंगा। दोस्तों अगली चार पंक्तियां खास तौर से सुनाना चाहता हूं, एक एक पंक्ति पे के शब्द पे ध्यान दीजिएगा। देखिए ये बुजुर्ग उठ रहे हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं, बीच में अब मत उठिएगा कोई। ए भाई, प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ, प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूँ, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूँ। टिटलागढ़ वालों, चौथी पंक्ति पे एक एक व्यक्ति की ताली चाहिए मुझे। ये जो खाली कुर्सियां हैं ना, उनकी भी जिम्मेदारी आपकी है। जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता, ये मानता हूं मैं दौलत नहीं कमा पाया, ये मानता हूं मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता। वाह 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 वाह, डॉक्टर साहब जिंदाबाद। क्या शानदार सुन रहे हैं डॉक्टर साहब, जिंदाबाद। वाह वाह, इन लोगों की तमाम शिकायतों को खारिज करता हूं, आप लाजवाब सुन रहे हैं, नो डाउट। जब इतना अच्छा सुन रहे हैं तो दिल अंदर से कह रहा है दोस्तों के चार पंक्तियां आपको और सुना। सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे,
सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे। अब तैयार है आपको, रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे। ना तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, ना तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, ना तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, किसे पता था कि तुम ऐसे बदल जाओगे। भाई डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह। फिर से नहीं, दूसरा दूसरा, इससे अच्छा है। पहली बार में ढंग से क्यों नहीं सुनते आप? इससे अच्छा सुन। देखिए, मैंने अक्सर देखा है, मुझे 39 इयर्स हो गए माइक पर खड़े खड़े बता रहा हूँ आपको। मैंने अक्सर बहुत कवि सम्मेलनों में देखा है कि इस उम्र पे, इस पड़ाव पे आके कवि सम्मेलन टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन आपने इस अंतिम पड़ाव पे इस कवि सम्मेलन को जिंदगी दी है। क्या बात है डॉक्टर, सच कह रहा हूँ। और जब जिंदगी मिल गई है दोस्तों, तो दिल अंदर से कहता है कि चार पंक्तियां आपको और सुना था। जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते हैं। गौरव का है, गौरव तू ध्यान कर बांसुरी का। जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते हैं, हमारी आंख से आंसू नहीं संभलते हैं। ये मैंने गौरव को इसलिए थोड़ा सा चेता है, ये बिल्कुल सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ था, जैसे मेंढक पड़ा रहता है बरसात में, हाइबरनेशन की पोजीशन में। तो मैंने इसको थोड़ा सा चेता है, थोड़ा सा उठ जाए। पूरा बायोलॉजिकल है। जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते हैं, हमारी आंख से आंसू नहीं संभलते हैं। अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते, दाद चाहिए आपकी। अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते, जितने दरिया हैं पहाड़ों से ही निकलते हैं। ये गुलदस्ता अनूप चंद त्रिलोक चंद जी की तरफ से था, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मुसीबत ये है कि ये फर्म जब रायपुर में कराती है कोई सम्मेलन, जहाँ बहुत पैसा देती है वहाँ तो हमको बुलाती नहीं। यहाँ बहुत कम पैसा दिया होगा तब हमको बुलवाया, देखो तब हमको गुल भी देने आ गए। खैर, ये मेरी मजाक की बात थी। और आप सहयोग करते हैं, हमेशा करते हैं, हर जगह करते हैं। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए इस फर्म के लिए। ओहो, ये भी मंजू दीक्षित का डायलॉग है। खैर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं चाहता हूँ एक बार अनूप चंद त्रिलोक चंद जी की पेढ़ी के लिए जरा जोरदार तालियां बजाइए। और एक सूचना मुझे मिली है, मैं डॉक्टर साहब से भी साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि वो अभी उम्र में हम सबसे बड़े हैं, तो आशीर्वाद देने की जिम्मेदारी भी उनकी है। हमारे श्रोताओं में हमारे आयोजक परिवार से श्रीमती प्रियंका जी का आज जन्मदिन है, और उनका जन्मदिन शुरू हो गया है, तो एक बार जरा ताली बजा दीजिए उनकी लंबी आयु के लिए। वो हैं कि चली गई हैं? प्रियंका जी खड़ी होइए, डॉक्टर साहब आप आशीर्वाद दीजिए। चलिए, आपको बहुत बहुत बैठिए, शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। एक बार ताली बजाइए, हैप्पी बर्थडे टू यू कहके। मैडम एक बार और खड़ी हो जाइए, अब अभिवादन कर दीजिए, मजा आएगा। देखिए, आपको इतने लोग एक साथ कभी आपके जन्मदिन पे नहीं इकट्ठे हुए होंगे। स्वागत स्वागत। जब इतना अच्छा बर्थडे भी मन गया, तो आइए चार पंक्तियां आपको और सुनाता हूं।
और ये पंक्तियां दो तो हमने अपने महबूब के लिए लिखी थी। हमारे महबूब में कितना इंटरेस्ट है आपको? होता है दूसरे के में ज्यादा होता है, अपने के में कम होता है, लेकिन सच बताएं दोस्तों, ये पंक्तियां जब हमने एक जगह पढ़ी तो हमारे गीत कुनबे के सबसे बड़े कवि आदरणीय गोपाल दास नीरज जी ने हमसे कहा कि विष्णु तुमने किसी के लिए भी लिखी सही, लेकिन जब तुम पढ़ते हो ना तो ऐसा लगता है जैसे रब से बात कर रहे हैं। क्या बात है डॉक्टर साहब? तो वो खुशबूदार सूफियाना मुत्तका का सुना। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे। अब सुनिए, तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे, गम के मरुथल में भी बरसात का रेला कर दे। अब टेटलागढ़ वालों, आपकी तालियां बताएंगी कि बात नीरज जी ने सही कही थी अगल अलग। गम के मरुथल में भी बरसात का रेला कर दे, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में। अब बहुत प्यार चाहिए आपका। याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, तेरी याद आए तो मेले में अकेला कर दे। क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, जिंदाबाद। आइए गीत की तरफ। आपको नहीं, चार पंक्ति और, चार पंक्ति और ज्यादा हो जाएगा मेरे निवेदन पे। एक बार जरा तालियां बजाइए मित्रों। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आपके नाम ने ही बंद इश्कियां कर दी, आपके नाम ने ही बंद इश्कियां कर दी, धूप के होंठ पे पानी की बदलियां धर दी। अब दाद चाहिए आपकी। धूप के होंठ पे पानी की बदलियां धर दी, हर तरफ फूल हैं, खुशबू है, खुशनुमा मौसम। गौरव, हर तरफ फूल हैं, खुशबू है, खुशनुमा मौसम, क्यों दिसंबर के महीने में गर्मियां कर दे। अरे बहुत ज्यादा हो जाएगा प्यारे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरा मुख तक मेरे लहजे में गालियां हो, बस यही वाला, यही वाला, क्या बढ़िया। मेरे जीवन का सबसे अच्छा मुक्तक सुना, मेरी भी यही मन था वैसा। मेरा मुक्तक, मुक्तक मेरे लहजे में गालियां होगा, दर्द सुने मेरी तरह दबा लिया होगा, दर्द उसने मेरी तरह दबा लिया होगा, उसकी तलखी में हुआ कैसे तरन्नुम पैदा। सबसे अच्छा मुक्तक इसलिए सबसे अच्छी दाद चाहिए। दर्द सुने मेरी तरह दबा लिया होगा, उसकी तलखी में हुआ कैसे तरन्नुम पैदा, उसने गुस्से में मेरा खत चबा लिया होगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, गीत, गीत बहुत ज्यादा। आइए गीत, रुको रुको दोस्त, देखो डार्लिंग, क्या है कि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, सुनो सुनो, मुझे मालूम है डोज कितनी दी जानी चाहिए, तो ओवर डोज ना हो जाए। जी सर, वही तो आ रहा था दादा,
वहीं आ रहा हूँ, बैठो वहीं पे लिखूंगा, आ रहा हूँ। एक गीत आपकी सेवा में रखता हूँ, उसके बिना काम नहीं चलेगा। एक गीत आपकी सेवा में रखता हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दें तो एक गीत अपने मन का सुनाऊंगा, फिर एक गीत आपके मन का सुना। और शशिकांत से इजाजत लेता हूँ क्योंकि वो बड़े हैं, बड़े कवि हैं, लेकिन छोटे भाई हैं हमारे, लेकिन जिस व्यास गद्दी पे वो बैठे हैं ईमानदारी से संचालन करते हैं हमेशा, इसलिए मैं उनको बहुत बड़े होने का आदर देता हूँ। एक गीत जो इन दिनों मेरी जबान पे चढ़ा हुआ है, इसमें शिल्प की कोई बहुत बड़ी बाजीगरी नहीं है, इसमें सिर्फ सादा सादा से लफ्ज हैं, फीलिंग्स हैं, उन फीलिंग्स के साथ बहिए मेरे साथ और मुझे दाद देते रहिएगा, दुआएं देते रहिएगा। स्वागत बस मैं पढ़ता हूं। तन नर मन है प्लीज मेरे साथ आइएगा। तन नर मन है पास बहुत फिर सोच सोच में क्यों दूरी है। गौरव तेरे को समर्पित करता हूँ। तन नर मन है, मैंने उदयपुर में गीत सुनाया तो गौरव स्टेज पे बैठे बैठे रोने लगा, पता नहीं अतीत में क्या था मैं नहीं जानता। तन नर मन है पास बहुत फिर सोच सोच में क्यों दूरी है। हम बदले तो हम बदले तो कहा बेवफा वो बदले तो मजबूरी है। तन नर मन मुझे इसी दाद की उम्मीद थी। आपने दूसरी पंक्ति को जिस तन्मयता से जिस मोहब्बत से उठाया है आपका बहुत बहुत आभार। देखिए हाथ से रस में तालियां बज जाएं कोई खास बात नहीं, क्योंकि जीवन में तनाव बहुत है, हर व्यक्ति हंसना चाहता है। वीर रस में तालियां बज जाएं कोई खास बात नहीं, क्योंकि इस देश की राजनीति ने इतना तंग कर रखा है कि हर व्यक्ति को ऐसा लगता है ये कभी हमारे दिल की बात कर रहा है, आइए तालियां बजाते। लेकिन जिस महफिल में गीत पे ताली बजती है वो महफिल सबसे अच्छी मानी जाती है। क्या बात है डॉक्टर साहब, और आज आपने सबूत दिया है कि आप बहुत अच्छे हैं। क्या बात है डॉक्टर साहब। तन नर मन है पास बहुत फिर सोच सोच में क्यों दूरी है। हम बदले तो कहा बेवफा वो बदले तो मजबूरी है। तन नर मन है गीत का फ्लैशबैक दिखाता। गंगा के तट बैठ रेत पर बना बना कर महल गिराए। गंगा के तट बैठ रेत पर बना बना कर महल गिराए। हमने उसको उसने हमको जाने क्या क्या सपन दिखाए। और दोस्तों अब इस पंक्ति को संभालिएगा। हमने उसको शशि उसने हमको जाने क्या क्या सपन दिखाए। कल सपने में मांग भरी थी। कल सपने में मांग भरी थी। हाथ अभी तक सिंदूरी है। कल सपने में
कल सपने में मांग भरी थी, आज अभी तक आए है, आए है। कल सपने में मांग भरी थी, हाथ अभी तक सिंदूरी है, हम बदले तो कहा बेवफा, वो बदले तो मजबूरी है, तन और मन है। वो जो सात आठ लोग जो बैठे हैं, आपके हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, मुझे गीत को पूरा कर लेने दीजिए, फिर मैं आपका कहना पूरा करूंगा। आपकी तन्मयता मुझे बहुत जरूरी चाहिए, क्योंकि आपकी थोड़ी सी खलबलाहट है ना, इस पूरे के पूरे कांच के ताजमहल को क्रिच क्रिच कर देती है। आप मेरे साथ आइए, सब लोग इतना अच्छा सुन रहे हैं, आप सीखिए इन लोगों से कैसा बढ़िया सुन रहे हैं। गीत का अगला बल्ला, हम लोग जिंदगी भर भटकते हैं मंजिल की तलाश, उस भटकन का एक बल पढ़ दो। उपवन उपवन घूमा फिर भी मन की कली नहीं खिल पाई, उपवन उपवन। गीत को जितनी इज्जत मिलनी थी उतनी इज्जत दे रहे हैं आप। उपवन उपवन घूमा फिर भी मन की कली नहीं खिल पाई, जग को सुरभित कर दे हमको ऐसी गंध नहीं मिल पाई, अब भी मन मृग बना हुआ है, अब भी मन मृग बना हुआ है, फिरे ढूंढता कस्तूरी है, अब भी मन मृग बना हुआ है, फिरे ढूंढता कस्तूरी है, हम बदले तो कहा बेवफा, वो बदले तो मजबूरी है, तन और मन है। बैठिए सर, बैठिए प्लीज, थोड़ी देर बैठिए। गीत की अंतिम पंक्ति पढ़ता हूं, और ये अंतिम पंक्तियां मेरी जितनी कवि बिरादरी बैठी है उनकी तकलीफ जाहिर करता हूं। अब लगता है जाग जाग कर, उम्र की इस पड़ाव पे अब लगने लगा, अब लगता है जाग जाग कर, क्यों सपनों के बोझ उठाए। एक रात जगने की कीमत क्या होती है, ये हम कवियों से शायरों से पूछिए, जितनी रातें होती है ना सब यहां इकट्ठी हो जाती है। देखिए ना कितने थके हुए लोग आए हैं, लेकिन जनता को फ्रेश चाहिए आर्टिस्ट, उसे कोई मतलब नहीं कि आप कितना तकलीफ में है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड बुखार है आपको, कुछ मतलब नहीं। और हम वो करते हैं, हमको बिल्कुल फ्रेश दिखाना है आपको। अब लगता है जाग जाग कर, क्यों सपनों के बोझ उठाए, मुस्कानों को बेच बेच कर, आंसू अपने घर ले आए, प्रेम तो अब व्यापार बन गया। अंतिम तुकांत पे आपकी तालियां चाहिए मुझे। प्रेम तो अब व्यापार बन गया, तड़पन उसकी मजदूरी है, प्रेम तो अब व्यापार बन गया, तड़पन उसकी मजदूरी, प्रेम तो अब व्यापार। जिसने कहीं हल्का सा भी प्यार किया होगा ना, उसकी हालत ऐसी होती है, ये सच बोल रहा हूं आपको, ये मजदूर की पीड़ा है। तन और मन है पास बहुत, फिर सोच सोच में क्यों दूरी है,
हम बदले तो कहा बेवफा वो बदले तो मजबूरी है। आइए वो गीत पढ़ देता हूँ जो आप लोग इतनी देर से कह रहे हैं और वही सुना रहे। एक बार तालियां बजा करके मुझे आदेशित करिएगा। ये गीत मेरी पहचान का गीत है। इस गीत ने मुझे पॉपुलर किया, इस गीत ने मुझे प्रतिष्ठा दी, सम्मान दिया। जहाँ जाता हूँ वहाँ मुझे सुनाना ही पड़ता है। यहाँ जितनी बार आया हूँ हर बार सुनाना पड़ा और आज भी सुनाता हूँ। देखिए जिस गीत पे प्रभु की कृपा हो जाती है ना वो इसी तरह से लोकप्रिय हो जाता है। गीत तो हम लोग ये ये जो बात बोले मेरे को बहुत खुशी लगा। मैं मारवाड़ी उड़िया लड़की से प्रेम किया, बस शादी किया और घर में बेलाया। वाह वाह वाह, आप डॉक्टर साहब आप खुल दीजिए। इसीलिए कहते हैं मोहब्बत जिंदाबाद। उसके बाद क्या है, बहुत ऊंच नीच है। ऊंच नीच क्या, ऊंच नीच है जाने दुश्मन कोई देखा है पिक्चर पिक्चर जाने दुश्मन। कविता पाठ मेरा काम है। दो मिनट मेरे को बोलने दो। नहीं नहीं बिट्टू भैया, बोलने के पैसे इनने लिए और गौरव के लिए, क्योंकि गौरव की भी हालत थोड़े दिन बाद ऐसी होनी है। बचा लिया होता अपन ने। अभी भी कोई ऐसा बिगड़ा नहीं बेटा। चलिए वो गीत पढ़ता हूँ आपके बीच। इसीलिए कहते हैं मोहब्बत जिंदाबाद। मोहब्बत जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। भाई साउंड तुम्हारा बहुत अच्छा है, लाजवाब। शुरू में लग रहा था जब हेमंत का गला बैठने लगा तो मैं डरने लगा। हम लोग जो गाने वाले लोग हैं उनको बहुत दिक्कत होती है, तो हमको लगा कि आप बहुत कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कि साउंड बहुत अच्छा है। रेत पर यस ये होना चाहिए। देखिए हम किसी को पैसे नहीं दे सकते तो उसके पैसे काटने का भी कोई हक नहीं है। हम किसी को रोजी नहीं दे सकते तो रोजी छीनने का भी हक नहीं है। तो उसने काम अच्छा किया है तो उसको प्रमोशन मिलना चाहिए। और आप हम कवियों की तरफ से कुछ पेमेंट और ज्यादा कर देंगे उसके साथ। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। टिटला गढ़वा लो बस मुझे दाद देते रहिएगा, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं बीच में। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया। पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं। रेत पर आ रहे शानदार भाई, कमाल है। जान डाल दी आप लोगों ने, सच कह रहा हूँ। क्या बात है डॉक्टर साहब, अब आपकी खामोशी भी हमें खल नहीं रही, सच बताऊं। ये आपकी पूर्ति करे दे रहे इधर वाले। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। बंद पड़ता मैं तो पतझर था फिर क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती को तन पर लपेटे हुए। गौरव सुन,
मैं तो पतझर था फिर क्यों निमंत्रण दिया ऋतु बसंती को तन पर लपेटे हुए आसमान में लिए प्यास तन में लिए कब शरद आई पल्लू समेटे हुए। और ये पंक्ति आप सबके लिए कि तुमने फेरी निगाहें अंधेरा हुआ अंधेरा हुआ तुमने फेरी निगाहें अंधेरा हुआ ऐसा लगता है सूरज उगेगा नहीं रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया। गीत के अगले बंद में हिंदुस्तान में मनाए जाने वाले दो त्योहारों का जिक्र कर रहा हूँ, अगर वो जिक्र कहीं ठीक ठाक हो गया हो तो मुझे बताइएगा, मैं निवेदन करता हूँ। मैं तो होली मना लूंगा सच मानिए तुम दिवाली बनोगी ये आभास दो। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं तो होली मना लूंगा सच मानिए तुम दिवाली बनोगी ये आभास दो। मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा तुम मुझे मेरे पंखों को आकाश दो। और ये पंक्ति सारी नौजवान धड़कनों के नाम, बुजुर्ग भी सुने लेकिन अमल न करें। मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा तुम मुझे मेरे पंखों को आकाश दो और उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम। देखिए शब्द को विजुलाइज कर रहा हूं मैं। क्या बात है डॉक्टर साहब। उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम लपेटो। न तुम उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम। बोल दे दोस्त। यूं करोगे तो दिल चुप रहेगा नहीं रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया। गीत की अंतिम पंक्ति। इन पंक्तियों में मेरी तपस्या है, बस थोड़ा सा थोड़ी देर का मामला, बस दो मिनट का, दो मिनट का खेल। इन पंक्तियों में मेरी तपस्या है पूजा, इनसे अच्छा भी मैंने तक कुछ नहीं लिखा। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे मन भर के आशीर्वाद दीजिएगा और ना भी अच्छा लगे तो मेरा मन रखने के लिए मुझे आशीर्वाद। कहा जाता है प्रेम का सबसे बड़ा देवता कृष्ण होता है, आइए उसके इर्द गिर्द चारों पंक्तियां घुमाता हूं। उदयपुर राजस्थान से मेरा संबंध बहुत साल का रहा, वहीं से मैंने मेडिकल डिग्री ली। जब मैं मेडिकल अफसर होके राजस्थान के बॉर्डर पे मेरी पोस्टिंग हुई, वो गोवर्धन की परिक्रमा के अंदर आता है, वहां चार महीने रहा दोस्तों, और चार महीनों में चार जन्मों का सुख भोगा मैंने कृष्ण का। वो चार जन्मों का सुख इन चार पंक्तियों में बताता हूं। आंख खोली तो तुम, कृष्ण के जीवन में तीन कैरेक्टर आए, रुक्मिणी राधा और मीरा, आइए बताता हूं। आंख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आंख तो राधिका तुम लगी। जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीरा बाई सी एक साधिका तुम लगी। और इस पंक्ति पर पूरा गीत निछावर। अब तक जिसने दुआएं न दी हो तो मुझे ऐसा एहसास करा दीजिए कि ये सारी कुर्सियां भरी हुई हैं और मुझे दाद दे रही हैं। जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीरा बाई एक
साधिका तुम लगी और कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो, कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो। मन कहीं भी रहे पर डिगेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एक गीत जो समापन का गीत है जो हम सुनेंगे, और वो एक ऐसा गीत है जो पूरे जब तक विष्णु सक्सेना जी दोबारा नहीं आएंगे तब तक आपको याद रहेगा। अगर आप 2 मिनट का समय दान दें तो मैं गीत पढ़वाऊं, वरना कवि सम्मेलन हो चुका है। एक बार जरा ताली बजा दीजिए, मैंने आप सबके तरफ से उनसे निवेदन किया है, वो विशेष गीत पढ़ेंगे। दिल की जमीन, अब सारी बातें आपकी नहीं चलेंगी दोस्त, जिन्होंने कवि सम्मेलन कराया उनकी भी जिम्मेदारी है कुछ। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे, बहुत अच्छा गीत याद दिलाया शशि ने। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे, जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बो, सब बजाइए देखिए। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की भोगे, जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की भोगे। क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, क्या बढ़िया आपने इसको गीत को साधा है। ये पंक्ति मैंने यूं ही लिख ली थी, लेकिन मेरे बड़े कवियों ने कहा कि विष्णु तुमको मालूम है, तुमने एक पंक्ति लिख तो दी है, इसका अर्थ पता है तुम्हें? मैंने कहा जी मुझे नहीं मालूम, आप बताइए। तो उनका उन्होंने अर्थ बताया, उन्होंने कहा इस छोटी सी पंक्ति में पूरी की पूरी गीता का अनुवाद है। इसमें लिखा है कि आप जीवन में सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत करेंगे, चाहे वो आपका बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो, बहन हो, भाई हो, दोस्त हो, जिससे सबसे ज्यादा प्यार करेंगे, जीवन में किसी न किसी मोड़ पर आपका दिल तोड़कर आपकी आंखों में आंसू देके जरूर जाएगा। जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे, कैसा होता दर्द टूटने का डाली से पूछो, कैसा होता दर्द टूटने का डाली से पूछो। पतझर आने की पीड़ा तुम हरियाली से पूछो, एक कली खिलने से पहले कोई तोड़ ले जाए। क्यों गुमसुम सा हो जाता है उस माली से पूछो। पूरी जिंदगी की फिलॉसफी एक पंक्ति में बताता हूं। पा जाओगे सब कुछ खुद को, पा जाओगे सब कुछ खुद को जितना खोगे। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की भोगे, जिससे जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की भोग। गीत की अंतिम पंक्तियां जिनको लिखने के बाद मैं खुद कई दिनों तक महकता रहा, वो खुशबूदार बंद आपको सुनाता हूं। किन नदिया जब से गई छोड़कर सूने हुए किनारे, उज्जैन के एक बहुत अनाम से शायर हैं दोस्तों, रमेश सोस साहब, शेर उनका बहुत बड़ा है, अगर बहुत बड़ा शेर हो तो तालियां उनके खाते में जानी चाहिए। सुना मैं इसलिए रहा हूं कि मेरे गीत से थोड़ा सा रिजेंबल कर रहा है, कि नया पाने की चाहत में
पुराना छूट जाता है, नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। और मोहब्बत लिखने पढ़ने में बहुत आसान दिखती है, मोहब्बत लिखने पढ़ने में बहुत आसान दिखती है, मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। नदिया जब से गई छोड़कर सूने हुए किनारे, रूठ गए हैं स्वर जिस दिन से टूट गए एक तारे। जब तक नील गगन में रहते चमक नहीं खोते हैं, जाने कहां चले जाते हैं टूटे हुए सितारे। नौजवान दोस्तों, जीवन में कभी नाउम्मीद मत होना, हमेशा पॉजिटिव रहना मेरा दावा है। आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, सपने अपने हो जाएंगे, सपने अपने हो जाएंगे, जब भी सोगे दिल की जमीन पर जब फसल यादों की। एक बार हाथ ऊपर करके रिदम से बजा दीजिए। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे, जितते जितना प्यार करोगे उतना रोगे। दिल की जमीन पर जब फसल यादों की बोगे, फसल यादों की बोगे, फसल यादों की बोगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।